walk the plank. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वेनम सेक एंड यू आर वाचिंग साइबर सेक यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो पे आप सीखेंगे ब्राउज़र एक्सप्लोइटेशन करने। वैसे तो आपको बहुत से ब्राउज़र एक्सप्लोइटेशन करने मिलेगा, नॉट जे एस बहुत सारा, लेकिन इसमें हम लोग कुछ उसी तरह का करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग पोर्ट वोर्ट नहीं डालेंगे। जैसे कि बहुत से यूट्यूब पर वीडियो आपको मिलेगा और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक आईपी को मतलब जो फाइनल लिंक होता है, आउटपुट आता है, वो एक लिंक के तरह से मतलब लिंक बना हुआ रहता है और उस लिंक पे आईपी और पोर्ट भी रहता है। तो उस पे कहा जाता है कि उस आईपी और पोर्ट को विक्टिम को देना है और उसको ओपन करे। तो क्या विक्टिम ओपन करेगा? नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको ज़रा सा अपना खुद का दिमाग लगाना है कि आखिर वो क्यों ओपन करेगा। उसको एक पोर्ट भी दिखेगा, वो समझ लेगा कि उसका सिस्टम हैक होने वाला है, तो वो नहीं ओपन करेगा। तो मेरा जो ट्रिक्स है, अब मेरी बात की जाए तो इसमें भी हम कुछ उसी तरह करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको आईपी को टारगेट को देना है। अब वो सोशल इंजीनियरिंग आपको करना है उस पर, थोड़ा बहुत वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके सोशल इंजीनियरिंग कितना स्ट्रांग है। और आपको ये अपने जो सोशल इंजीनियरिंग है इसको आपको स्ट्रांग करना है। अब हैकिंग तो कोई पिला नहीं सकता है, हम तो सिर्फ आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको शायद ये आता ही होगा, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पे जावा एप्लेट्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोग JMX जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस पर क्या होगा कि हम लोग जस्ट उसी तरह सेम टू सेम एक लिंक क्रिएट करेंगे, बट उस पर HTTPS या कुछ भी ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, वो एक IP रहेगा। IP समझ लीजिए हम लोगों का लिंक है और उसके साइड पे हम लोगों का पोर्ट रहेगा। लेकिन जब हम किसी के सिस्टम को हैक करेंगे उसके थ्रू, तो क्या करना है कि हमको सिर्फ उस IP को कॉपी करना है, सिर्फ IP ना कि पोर्ट, IP को कॉपी करना है और उसको अपने टारगेट मशीन को देना है, कैसे भी, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। तो हम देंगे, चलिए व्हाट्सएप के थ्रू एक एग्जांपल लेते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम उसको देंगे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि यार तुम मेरे IP को ओपन करो, ऐसे बोलेंगे नहीं ना। तो हम उसको बोलेंगे कि यार देखो, हमने एक बंदे को हैक कर लिया है, अपने सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक बंदे को हमने हैक कर लिया है, ये देखो इसके एक इस आईपी को खोलोगे तो इसके अंदर एक इंडेक्स पेज खोलेगा और उसमें उसका पूरा का पूरा डेटा है, तुम उसको ले सकते हो, देख सकते हो क्या क्या चीज़ है। या फिर ऐसे नहीं बोलेंगे यार देखो यार, अभी तुरंत मैंने हैक किया हुआ है एक टारगेट मशीन को, उसका आईपी है ये, इसको ओपन करोगे ना, इसके अंदर पूरा उसका जो कुछ भी है सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें चाहिए होगा तो ले लेना, साथ में हैकिंग के कोर्स भी है, ले लेना ब्रो। तो अब वो सोचेगा हाँ हो सकता है, सिर्फ आईपी ही ना है, क्या हो जाएगा। तो जैसे ओपन करेगा तो उसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे खुलेगा, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर वो चाहे क्रोम से, तो आपको मालूम होगा कि गूगल क्रोम पे जावा जो है वो पहले से ही इनेबल्ड रहता है, आपको देखने को मिलेगा, आप चाहो तो देख सकते हो खुद से। तो इसलिए कहा जाता है कि जावा इनेबल्ड, मतलब कि जब ज़रूरत आए तभी आप उसको ओपन मतलब इनेबल्ड करके रखिए। या फिर मेरा सलाह, अगर आप ले रहे हो तो आप किसी के भी लिंक को या आईपी को ओपन करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले उस आईपी को आप स्कैन कर ले। कैसे स्कैन करोगे? Nmap के थ्रू स्कैन कर सकते हो, या फिर उसको एक बार पिंग करके देखो, अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है समझ लो कि वो कुछ भी आईपी हो सकता है, या तो उधर से मतलब रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है मेरे तरफ जिसकी वजह से मेरा रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, और अगर हम उसको स्कैन करने की कोशिश कर रहे तो स्कैन करके ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि आईपी में एक्सप्लॉइट बाइंड किया हुआ है या नहीं। तो इस पे एक एरर आएगा इस वीडियो पे कि हम ये पूरा करके नहीं दिखाएंगे आपको कि उस आईपी को विक्टिम को सेंड करके दिखाएंगे ओपन करके, वो सब नहीं, सिर्फ हम वहाँ तक दिखाएंगे कि वो जो लास्ट हम लोग का जो लिंक क्रिएट होगा वो कैसा क्रिएट होगा और उसको आपको कैसे सेंड करना है, वो आप पे, बस वो आप पे डिपेंड करता है। अब सब कुछ तो हम नहीं दिखाएंगे, और यहाँ पे हम गलत आईपी का यूज़ करेंगे, 192.168.0.7, ये कुछ प्राइवेट आईपी की तरह सुनने को लग रहा है, लेकिन ये एक गलत आईपी है, ये हम खुद से ऐसे ही जो मन सो आईपी यूज़ कर ले रहे हैं। और पोर्ट यहाँ पे हम 1111 यूज़ करेंगे, यानी चार
वन, आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 8080 8080। तो जिसके कारण क्या होगा कि मेरा एक एरर आएगा, फेल्ड टू बाइंड, ऐसे कुछ कॉन्फिग, ऐसे कुछ एरर आएगा। तो उस एरर को आपको नहीं देखना है, क्योंकि हम कुछ भी गलत चीज़ नहीं बता रहे। जो कुछ भी रहेगा इस वीडियो पे सब कुछ 100% वर्केबल रहेगा, और अब तक हम जितना कुछ भी बताया सब वर्केबल ही है। तो इसे एक तरह से आप मान लेते हैं, इस चीज़ को आप मान लीजिए एक तरह से ब्राउज़र एक्सप्लोटेशन। तो ये ऑलरेडी एक एडवांस ही चीज़ हुआ, कुछ गलत चीज़ तो नहीं है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सिस्टम को हैक कर रहे हो, और ये हम हैक करने सिखा नहीं रहे कि आप उसके सिस्टम को हैक करो। हम ये आपको दिखा रहे कि किस तरीके से होता है। अब आप किसी के आईपी को ओपन कर लोगे, आपको कोई बोलेगा यार इस आईपी को ओपन कर लो, आप ओपन कर लोगे, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। तो यहाँ पे खुद से आप सतर्क रहिए। तो चलिए इस वीडियो को आप देखिए कि आखिर इसमें क्या क्या होने वाला है। Dressing room.